तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? भाई, बहुत भारी डिमांड पे एक वीडियो हमको बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं अभी तक ही शॉर्ट वीडियो बनाता था, लेकिन बहुत लोग भाई मैसेज कर रहे हैं हमको, कमेंट कर रहे हैं मेरी शॉर्ट वीडियो पे। इसकी वजह से मैं इसको आज फुल वीडियो बना रहा हूँ। मैं ज़्यादा फुल वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो क्वेस्ट रिलेटेड आज ऐसी बात करने वाला हूँ, ऐसी जॉब के बारे में, 8-10 जॉब के बारे में आपको बताऊँगा जो नॉन टेक्निकल है, यानी टेक्निकल उसमें कुछ भी नहीं है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप इस काम में बहुत आसानी से आ सकते हैं। और ये ऐसे काम जो मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में आगे, ये ऐसे काम हैं, इसको सीखने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन से 1 महीना, या कोई एकाध दो कोर्स ऐसे हैं, एकाध दो काम ऐसे हैं जिसमें आपको हो सकता है 1 महीने से ऊपर लगे, बाकी ना के बराबर है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगे, और बहुत ही कम पैसे में बहुत ही आसानी से बिना पैसे के भी आप इसको सीख सकते हैं। तो आज बात करने वाला हूँ ऐसे 8-10 कामों के बारे में जिसको आप सीख के कुवैत नहीं, किसी भी गल्फ देश अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आ सकते हैं। और दूसरी चीज़, वीडियो आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि जो मैं आपको 8-10 काम बता रहा हूँ, उसमें पहला काम ये है कि जैसे आपका आता है इसमें बैरिस्टर, कॉफ़ी मेकर इसको बोलते हैं। अब कॉफ़ी मेकर की बात अगर करें तो कॉफ़ी मेकर जो है काफ़ी तरह के होते हैं, इसमें काफ़ी तरह की कॉफ़ियाँ बनती हैं, जैसे कि अमेरिकानो है, कैपेचिनो है, आप तो नाम जानते होंगे बहुत से लोग इसमें से, अमेरिकानो, कैपेचिनो, लेटे आता है, उसके बाद आपका अरबिक कॉफ़ी है, तुर्किस है, फ्रेंच है, ये सब कॉफ़ी की अलग अलग वेराइटी है। तो ये आप बहुत ही आसानी से अपने शहर में, किसी भी शहर में अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, अगर आप बहुत छोटे गांव विलेज से हैं तो आप अपने शहर निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, या दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो सर्टिफाइड भी हैं, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको ये बहुत आसानी से 15-20 दिन के अंदर किसी रेस्टोरेंट कैफ़े में भी आप ये काम सीख सकते हो। अब इसमें अलग अलग तरह की कॉफ़ी बननी रहती है, इसका आप कोर्स ट्रेनिंग करके आसानी से आ सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें इसमें तो भाई 35-40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी है, 35 हज़ार तो कहीं नहीं गई अगर आप स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आ रहे हो। अब दूसरी बात, दूसरी जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे सैलेड मेकर है, सैलेड मेकर जैसे नाम होता है, सलाद होता है, उसको आपको कटिंग करना है, उसको सजाना है, तो ये तो आप 4-5 दिन के प्रैक्टिस में आप ये सीख जाएंगे, घर पे भी सीख सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं। तो सैलेड मेकर है, सैलरी बेसिक ऐसे ही 28-30 हज़ार से स्टार्ट होती है, तो आप एक ये कोर्स कर सकते हैं। फिर आप आता है जूस मेकर, अलग अलग तरह के जूस होते हैं, ये सब कोई हाथ से यहाँ गल्फ में नहीं करना है या कुवैत में हाथ से नहीं करना है, सबकी मशीनें लगी हैं, बस आपको मशीन ऑपरेट करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रेनिंग 10-12 दिन की लेनी पड़ती है, और कैसे सर्व करना है, कैसे उसको पैक करना है, ये सब है। तो ये सैलेड जूस मेकर हो गया। उसके बाद आ गया पिज़्ज़ा और बर्गर बनाना, एक काम ये है, इसमें भी आपको यही थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके किस तरह प्रिपरेशन करनी है फूड की, वो करना है। फिर आप आ जाइए, एक बहुत फेमस काम रहता है चपाती रोटी मेकर, यानी जो लोग जैसे अभी अलग अलग वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, रेस्टोरेंट होता है तो रेस्टोरेंट में हर तरह की रोटी मिलती है, रोटी को खबूस बोलते हैं, तो अलग अलग तरह की चपाती, जैसे अब इंडिया की चपाती है तो हम लोग बेल के जो बनाते हैं तवे पे, तो वो बनाना है। अगर आप वो काम सीख के जाते हो, चपाती मेकर, रोटी मेकर, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसानी से, हालांकि ये थोड़ा सा काम टफ है, इसमें आपको सीखने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं बेकरी लाइन की। बेकरी लाइन में पेस्ट्री है, केक डेकोरेशन करना है, ये पेटीज वगैरह जो होती है, ये सब को बेकरी लाइन में बेक वाले आइटम जो केक वगैरह बेक करके बनाए जाते हैं, और कुछ क्रीम वगैरह जो उनका डिज़ाइन डेकोरेशन करते हैं, डिज़ाइनिंग वाली, वो आपको सीखना है। इसमें आपको लगेगा 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे एक एक प्रोफेशन होता है बूचर का, जो मीट वगैरह काटते हैं, तो अगर कटिंग की स्किल है आपके पास या आप सीखे हैं या सीखना चाहते हैं तो आप सीख क्या सकते हैं, इसमें भी सैलरी अच्छी होती है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट, इन सब के कामों के लिए हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, किचन हेल्पर। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन टेक्निकल बता रहा हूँ, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये खाने से रिलेटेड मैंने आपको 8-10 काम बता दिए। अब आते इसमें लास्ट में आता है किचन हेल्पर, किचन हेल्पर की भी सैलरी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत आप इन लोगों के साथ जो मैंने अभी ऊपर काम बताया, इन लोगों के साथ आप हेल्पिंग में आ सकते हैं, किचन हेल्पर। भाई ये ऐसे काम है, हाई स्कूल पास हो, नहीं पास हो, 12th पास हो, बहुत लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भाई हम कुछ काम जानते नहीं हैं,
पढ़े हैं, हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, कंप्यूटर थोड़ा बहुत चला लेते हैं, ड्राइविंग कर लेते हैं, लेकिन हम किस काम में आए? या ऐसा भाई लकी भाई ऐसा काम बताइए जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, अच्छी सैलरी। तो भाई बहुत ज़्यादा वाली तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा तो कहीं भी नहीं है, लेकिन सारे गल्फ के देशों में, कुवैत में अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन जो मैंने आपको काम बताया ये ऐसे काम है जिसको आप 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने की ट्रेनिंग लेके सीख कर किसी कैफे में आप बहुत आसानी से यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि इसमें जब सिलेक्शन की बात आती है तो इसमें जो कुवैती या इंटरव्यूअर होता है तो आपसे वर्किंग वीडियो मांगता है कि आप केक बना लेते हो तो आप वीडियो बना के भेज दो। लैंग्वेज का भी उतना बैरियर नहीं होता क्योंकि किचन के अंदर आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन नहीं करनी। हल्की फुल्की इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा है, सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है। नहीं भी आ रही है तो ये मान के लिए आप अंदर काम करना, धीरे धीरे आप अरबी सीख ही जाएंगे। तो इस ये ऐसे काम हम आपको बता रहे हैं जिसमें आप बहुत ही कम समय में और ट्रेनिंग लेके आ सकते हैं। तो ये रही आपकी, यार ज़्यादा जो लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि भाई अच्छी सैलरी वाले जॉब बताइए, क्या स्किल में स्कोप है, कौन सा काम सीख के आए जिसमें हम आसानी से आ सकते हैं, तो ये जो मैंने साहब काम बताए हैं आप इसमें ट्राई करिए। रही बात आगे आपको क्या क्या लगता है, तो जैसे अगर आप लिए, मैं वही बता दे रहा हूँ आपको, आपने ये इसमें से कोई भी आपने कोर्स कर लिया या आप एक ट्रेनिंग ले लिया, आप सिंपल सा आप एक बार PCC फॉर्म भर दीजिए। PCC की आपको वीडियो आपको मिल जाएगी, आप खुद भर सकते हैं किसी कैफे वाले से बता। PCC आ गया और वही पुराने की तरह जैसे मैंने वीडियो में बताया कि आप अपना इंटरव्यू ऑनलाइन ओवरसीज देख लीजिए, दिल्ली मुंबई में मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी बेस्ट ऑफिसेज की, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से अच्छे ऑफिस हैं। आप उन ऑफिसेज में अपना CV फॉरवर्ड कर दीजिए PDF बना के, पहले आपका CV, फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसको एक PDF में बना के आप एक PDF बना लीजिए और जहां आपको सेंड करना है उनकी ईमेल आईडी पर आप उनको सेंड कर दीजिए, वहां से रिवर्ट आता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जूम पे इंटरव्यू होने लगा है तो आप इंटरव्यू जूम के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड है या आपसे बोलता है वर्किंग वीडियो चाहिए, जो आप काम करते हो वर्किंग वीडियो भेज दीजिए, बस उसमें कुछ नहीं करना, आपका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद मेडिकल कराइए। हाँ जब मेडिकल कराने के लिए मेरा एक आप लोगों को सजेशन रहेगा कि अगर आप मेडिकल करा रहे हैं कुवैत का लिए तो कुवैत का मेडिकल होता है टफ, तो बेहतर ये रहेगा कि आप कुवैत का मेडिकल कराने से पहले एक बार आप प्री मेडिकल करा लीजिए। प्री मेडिकल होता है जो GCC अप्रूव मेडिकल सेंटर होते हैं MICR से, वहाँ से प्री मेडिकल अगर आप करा लेंगे तो ये होता है कि अगर आप गम का कटाने के बाद आप मेडिकल करा रहे हैं तो उसमें अगर फेल होते हैं तो उसमें लंबा टाइम लग जाता है। मतलब गम के का टाइम लिमिट पीरियड रहता है 1 महीने का, मतलब 1 महीने तक ही आप दूसरा मेडिकल नहीं करा सकते। इससे ये बेहतर रहता है कि प्री मेडिकल आपका 2500-2000 में हो जाता है, उससे आपको पता चल जाता है कि अगर कोई कमी है या कोई सीने में दाग वगैरह दिखा रहा है या कुछ भी है तो आप उसकी इलाज करा के दोबारा से करा सकते हैं। प्री मेडिकल अगर गम का कटाएंगे तो 1200 का गम का कटाएंगे, उसके बाद आप 7,000-6500 फीस देंगे और टाइम भी आपका बर्बाद होगा। तो इससे बेहतर है प्री मेडिकल आप 2000-2500 का करा के फिर आप कराइए स्टैंपिंग का, और उसके बाद जिस कंसल्टेंसी से आप काम करा रहे हैं वो आपका बाकी सारा काम करा देगा। तो ये थी भाई पूरी जानकारी, बाकी और किसी चीज़ से रिलेटेड ये आज मैंने नॉन टेक्निकल के बारे में बताया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे टेक्निकल लाइन की, उसके लिए भी मैं पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ बड़ी, मेरे पूरे YouTube चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो पड़ी है और Instagram पे भी है। तो अगर आपको और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हम लोगों को हमको आप Instagram पे DM कर सकते हैं या आप इस पर भी डायरेक्ट YouTube पे जाके आपको सारे लिंक मिल जाएंगे Facebook के और Instagram पे, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जानकारी के लिए कमेंट करें। तो चलते हैं भाई, फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।